सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। देखो, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ओपन बुक एग्जाम का स्टेप बाय स्टेप गाइड, कंप्लीट गाइड है, स्टार्टिंग से लेके आपको डीयू के पोर्टल से रजिस्ट्रेशन से लेके एंड तक आपको आपकी आंसर शीट अपलोड करने तक की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए एंड कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए, बिकॉज अगर आप कोई भी पार्ट मिस करोगे तो वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी उस चीज को करने के लिए। तो इसलिए अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर यूजिंग द डीयू पोर्टल फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन ओबी, ठीक है ना। यहां पे लिखा हुआ है मॉक टेस्ट लिंक शैल बी एक्टिव फॉर स्टूडेंट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 4th जुलाई 2020 टू 8 जुलाई 2020, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली अभी डेट शीट इसकी आ गई है मॉक टेस्ट की, मैंने वीडियो बना दिया है। आपने नहीं देखे तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा कि मॉक टेस्ट आप कब कब दे सकते हो प्रॉपर। कोई भी एक दिन आप कोई भी एक टाइम स्लॉट में आके अपना मॉक टेस्ट दे सकते हो पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, ठीक है ना। वो बिल्कुल आपके मेन फाइनल एग्जाम का ही रेप्लिका होगा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको अपना एग्जाम फाइनल एग्जाम देना, ताकि आपको फाइनल एग्जाम के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके एग्जाम के लिए कि एग्जाम में सबसे पहले जो आपको चीज करनी है वो है स्टेप वन लिखा हुआ है वन टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन टू डीयू पोर्टल, ठीक है। सबसे पहले आपको एग्जाम देने से भी काफी पहले आपको डीयू के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। देखो क्यों करनी पड़ेगी यार, बिकॉज आगे जाके जो आपके क्वेश्चन पेपर आएगा, जो आपका पोर्टल आएगा, उसको ओपन करने लिए यार एक रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो इसलिए डीयू के पोर्टल में बहुत जल्दी एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन करनी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर हरसेल्फ हिमसेल्फ ऑन द डीयू पोर्टल। इनिशियली द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल इन बेसिक डिटेल्स। जो आपका देखो सिंपली जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो नॉर्मल किसी भी फॉर्म के, वही करना है आपको। सिंपली सबसे पहले यहाँ पे अपना नेम लिखना है, देन नेम के बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है लिखना। प्रोग्राम नेम में आपको जो भी कोर्स कर रहे हो वो आ जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी है, एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको आपके एडमिट कार्ड के मिल जाएगा, और आपको रजिस्टर्ड ईमेल और फोन नंबर है वो आपको सिंपली एंटर करना है एंड आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है ऑन सबमिशन ऑफ द अबव डिटेल्स द स्टूडेंट्स विल रिसीव अ पासवर्ड ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल नंबर। देखो जब आप ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लोगे अपनी ये डिटेल्स एंटर करके, तो आपको एक पासवर्ड मिलेगा अपनी ईमेल या फिर फोन नंबर में, ठीक है ना। स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम विल रिक्वायर टू इंसर्ट पासवर्ड टू लॉग इन टू द पोर्टल। स्टूडेंट्स कैन लॉग इन विद देयर एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड पासवर्ड टू लोकेट द मॉक टेस्ट पेपर। तो सिंपली आपको जब आपका पोर्टल में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपके पास एक पासवर्ड आएगा, आपको डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए अपना एक तो एग्जामिनेशन का रोल नंबर और एक अपना पासवर्ड एंटर करना है, वहां पे आपको आपका मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे तब आप मॉक टेस्ट दे पाओगे। सेकंड लिखा हुआ है स्टेप टू ऑन द डेट ऑफ फाइनल ओबी एग्जामिनेशन। तो जब आपका एग्जाम की डेट होगी, समझ लीजिए 10 जुलाई जब आपका एग्जाम होगा, तो उस दिन आपको क्या करना है। लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द एग्जामिनेशन पोर्टल विद देयर एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड पासवर्ड एटलीस्ट 30 मिनट्स प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आपको अपने जिस पोर्टल में आपने रजिस्ट्रेशन कर दी ना, उसी पोर्टल में आपको जिस दिन आपका एग्जाम है, एग्जाम शुरू होने से आधे घंटे पहले आपको अपने उस एग्जामिनेशन पोर्टल में लॉग इन कर लेना है अपने एग्जामिनेशन रोल नंबर एंटर करके, और अपना पासवर्ड जो आपको मिलेगा वो एंटर करके आपको आधे घंटे पहले अपने उस एग्जामिनेशन पोर्टल को ओपन कर लेना है, ठीक है ना। सेकंड लिखा हुआ है वंस द स्टूडेंट लॉग इन टू द पोर्टल अ क्लॉक ऑन द स्टूडेंट स्क्रीन विल डिस्प्ले द टाइम लेफ्ट इन फॉर ओपनिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो आपको सिंपली अपने जो आप डैशबोर्ड ओपन करोगे, अपना पोर्टल ओपन करोगे, तो ऊपर एक क्लॉक बनी आ रही होगी, तो उस क्लॉक में आपको पता चलता रहेगा कितनी देर में आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो सिंपली जितना टाइम होगा उतने टाइम में आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जैसा उन्होंने भी बोला है कि आधे घंटे पहले आप अपना पोर्टल, अपना एग्जामिनेशन पोर्टल ओपन कर लेना, लॉगिन कर लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड ऑन द क्वेश्चन पेपर फॉर विच दे आर अपीयरिंग। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर जब आपका आ जाएगा, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस है उनको प्रॉपरली आप पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है द क्वेश्चन पेपर डाउनलोड बटन विल बी विजिबल इन द बिगनिंग ऑफ एग्जामिनेशन।
तो सिंपली जो आपका एग्जाम जैसे ही स्टार्ट होगा तो वहां पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का एक बटन आपको दिख जाएगा, तो सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है, आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है डाउनलोड करके रख लेना। लिखा हुआ है द क्वेश्चन पेपर विल बी रिलीज्ड ऑन द पोर्टल एट द कमेंसमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेशन ऑफ एग्जामिनेशन एज पर द डेट शीट रिलीज्ड बाय DU। तो सिंपली यार यही चीज लिखी कि आपका जब डेट शीट आपका एग्जाम होगा उस टाइम पे ही आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करना है आपको बटन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर ऑन द डेस्कटॉप लैपटॉप फोन एंड कैन ऑल्सो टेक द प्रिंट आउट इफ रिक्वायर्ड ईदर एट हिज अर होम और एट अ कॉमन सर्विस सेंटर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो यार देखो आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना अपना क्वेश्चन पेपर, चाहो तो प्रिंट आउट ले लेना वरना फोन या फिर अपने पीसी में या फिर अपने लैपटॉप में सेव करके रख लेना, और अगर आप घर पे हो और अगर नहीं हो तो आप कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी अपना एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे भी एग्जाम दे सकते हो। इफ इन एनी केस अ स्टूडेंट फेसेस एनी डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द पोर्टल शी और ही मे रिक्वेस्ट हर हिज कॉलेज डिपार्टमेंट टू गेट द सेम ऑन हिज हर डेजिग्नेटेड ईमेल और फोन नंबर। तो अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो आपकी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अपने कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हो एंड वो आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपकी ईमेल या फिर फोन नंबर में सेंड कर देंगे। द कॉलेज डिपार्टमेंट शैल सेंड द क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स ईमेल एड्रेस फोन और व्हाट्सएप। However, this option may be exercised only in case of an emergency. तो यार देखो वैसे आप अपने डिपार्टमेंट या कॉलेज से अपने ईमेल एड्रेस फोन या व्हाट्सएप पे मंगा सकते हो, बट ये चीज तभी करना है जब आप ये प्रॉपर ऊपर वाला स्टेप नहीं कंप्लीट कर पाए या फिर कोई एरर आ रही है, तभी आप ये अपना क्वेश्चन पेपर अपनी ईमेल फोन या व्हाट्सएप पे मंगाना। लिखा हुआ है एज एंड व्हेन द स्टूडेंट डैशबोर्ड द क्वेश्चन पेपर द टाइम लैप्ड फॉर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्टूडेंट स्क्रीन। तो जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा आप अपना क्वेश्चन पेपर जैसे ही डाउनलोड कर लोगे तभी से आपका कह सकते हैं टाइमर शुरू हो जाएगा एग्जाम के लिए जितनी देर का भी आपका बचेगा। तो टोटल आपको वैसे पता है आपको 3 घंटे टाइम मिलेगा आपको, तो आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा एंड आपको उस टाइमर के अकॉर्डिंग ही अपने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। स्टेप 3 में लिखा हुआ है टाइम ट्रैकिंग कि कैसे आपका टाइम ट्रैक होगा। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 3 आवर्स, देख सकते हैं जो PWD के उनके लिए 5 आवर्स मिले हैं, विच विल इंक्लूड 2 आवर्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड 1 additional hour फॉर IT रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज डाउनलोडिंग स्कैनिंग एंड अपलोडिंग द आंसर शीट। तो सिंपली आपका मेन चीज आती है कि आपको 3 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे में आपको आंसर शीट कंप्लीट करनी है एंड बाकी के 1 घंटे में आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, अपनी आंसर शीट को स्कैन और अपलोड करना है, ठीक है ना। तो अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द PWD के लिए आपके 5 आवर्स टोटल मिले हैं एंड सिंपली ये चीज लिखी हुई है कि जो आपका विच विल इंक्लूड 2 आवर्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, 1 hour for IT related activities and बाकी के जो आपके extra time of 20 minutes per hour, that is 1/3 of the prescribed duration of the OB and further 1 hour above all as a special provision। तो total मिला के जो PWD category के बच्चे हैं उनको 5 hours मिलेंगे अपने पूरे paper को complete करके proper scan upload करने के लिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है द मॉक टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन 3 sessions ऑन ईच डे, दैट इज मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन एंड इवनिंग सेशन। स्टूडेंट्स कैन अपीयर फॉर द टेस्ट एज पर देयर कन्वीनियंस। तो जो आपकी मॉक टेस्ट है जैसा आपको डेट शीट मैंने बता दिया है कि 3 shifts में होगा, एक आपका मॉर्निंग का, एक लंच सेशन और एक आपका इवनिंग सेशन। तो आप जिस भी टाइम पे कंफर्टेबल हो आप अपना एग्जाम का जो मॉक टेस्ट है वो दे सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है वंस द क्वेश्चन पेपर इज डाउनलोडेड द स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपलोड द आंसर शीट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, दैट इज 3 hours फॉर द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट दिव्यांग एंड 5 hours फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स। तो जब आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लोगे तो आपको 3 घंटे मिलेंगे, आपको उस टाइम के अंदर अपने अपलोड कर लेने हैं, ठीक है ना। इसके बाद है स्टेप 4 आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स विल राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन A4 साइज व्हाइट पेपर इन ओन हैंड राइटिंग रूल्ड और प्लेन। तो जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे भाई हमारी शीट ऐसी है ऐसी है, देखो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है आप लाइन वाली भी यूज कर सकते हो और प्लेन जो आपकी शीट है वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप लाइन वाली जो रूल्ड आपकी होती है उसको यूज करो, बिकॉज यार उस टाइम पे आपकी राइटिंग और आपकी जल्दबाजी के चक्कर में आप प्लेन शीट पे होता है गड़बड़ कर दो। तो इसलिए आप रूल्ड शीट में रिकमेंड करूंगा आपको वो यूज करो, A4 साइज की व्हाइट शीट, कोई कलर नहीं होनी चाहिए। द आंसर्स आर टू बी रिटन यूजिंग ब्लैक और ब्लू पेन ओनली। तो ये सिंपल है जो आपका एग्जाम में आप यूज करते हो, वो इंस्ट्रक्शन है। स्टूडेंट्स विल राइट देयर नेम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑन दी फर्स्ट शीट यूज फॉर आंसर। तो जो आपकी पहली शीट है उस पर आपको अपना नेम,
आपका जो प्रोग्राम जिस भी कोर्स को आप कर रहे हो जो आपकी वो है वो एंटर करना है, सेमेस्टर कौन से सेमेस्टर है आपका वो एंटर करना है, अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, आपका पेपर कोड ये भी आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, पेपर टाइटल डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। यार देखो अधिकतर ये सारी चीजें आपको आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। स्टूडेंट शुड यूज सेपरेट शीट्स टू आंसर ईच क्वेश्चन सिंस आंसर शीट्स आर टू बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल क्वेश्चंस वाइज सो दैट इवैल्यूएशन कैन बी कंडक्टेड स्मूथली। तो यार देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए अपने हर एक आंसर के लिए एक सेपरेट शीट यूज करनी है, तो एक कन्वीनियंट ये हो जाएगा चीज आपके लिए, जब आपका पेपर पोर्टल पे आप अपलोड करोगे तो सिंपली आपका पर आंसर आपकी एक एक शीट आप यूज करो तो वो एक बेटर रहेगा। तो इसलिए ये चीज उन्होंने कही कि आपको सेपरेट शीट यूज करनी है सेपरेट सेपरेट आंसर के लिए। यहाँ पे स्टेप 5 आता है वो है अपलोडिंग आंसर शीट। तो अपलोड कैसे करनी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स विल स्कैन द रिटन पेजेस ऑफ द आंसर्स क्वेश्चन वाइज एज वन फाइल एंड अपलोड द सेम क्वेश्चन वाइज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन। देखो आपको अपने जो रिटन पेजेस है उनको क्वेश्चन वाइज स्कैन करना है और उसकी कह सकते हैं क्वेश्चन वाइज अपने आपको वो आपको जो शीट है वो अपलोड करनी है। For each question, student can upload single file, scanned all sheet together for each question. तो आपको सिंपली पर क्वेश्चन आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, एक पीडीएफ क्रिएट करनी है और मल्टीपल फाइल स्कैंड इंडिविजुअल शीट फॉर ईच क्वेश्चन। फॉर दिस स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड विद एन अपलोड फीचर मल्टीपल अपलोड्स अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो आपका सिंपल ये चीज आती है कि आप सिंपली डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं अपने क्वेश्चंस को पर्टिकुलर पूरी शीट को फाइल में कन्वर्ट करके पीडीएफ कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हो और आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है ना। सेकंड जो हमारा ऑप्शन है वो है टू अपलोड द आंसर शीट द स्टूडेंट विल लॉग इन टू द एग्जामिनेशन पोर्टल एंड सिलेक्ट द टैब अपलोड आंसर। वन द आंसर शीट आर अपलोडेड नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेड। तो सिंपली जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा मतलब जब आप एग्जाम मतलब आपका जब कंप्लीट हो जाएगी आपकी आंसर शीट तो आपको अपने एग्जामिनेशन पोर्टल जहां से आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया था उसी में से आपको वापस से उस पोर्टल को ओपन करना है एंड फिर आपको वहीं पे एक ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड आंसर का टैब, आपको सिंपली उस पे क्लिक करना है और अपने आंसर शीट को अपलोड कर देना है। नेक्स्ट है इन केस फॉर एनी रीजन इफ अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अपलोड द आंसर शीट ऑन द पोर्टल द सेम कैन बी सेंड इन पीडीएफ फॉर्मेट एट द डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप नंबर ऑफ द कॉलेज डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम। हाउएवर दिस ऑप्शन जैसे आपको पता है ना क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते तो आप अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से अपने फोन नंबर ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप पे मंगा सकते हो, ऐसे ही अगर आप अपनी आंसर शीट को अपलोड नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से तो आप अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट को एक पर्टिकुलर उस स्पेसिफाइड टाइम में आप उनके व्हाट्सएप नंबर या फिर उनकी ईमेल आईडी फोन नंबर पे सेंड कर सकते हो। तो ये चीज हो गई आपकी। नेक्स्ट हमारा आता है इन केस इफ बाय मिस्टेक अ स्टूडेंट अपलोड्स अ रॉन्ग आंसर शीट शी और ही कैन मेक करेक्शन विद इन द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द ओबीई दैट इज 3 hours फॉर स्टूडेंट्स अदर देन द दिव्यांग एंड द 5 hours फॉर दिव्यांग। तो अगर आप बाय मिस्टेक कोई भी अपनी गलती से अगर आप अपनी जो आंसर शीट को गलत अपलोड कर देते हो तो आपको उन्हीं 3 घंटे में वापस से अपनी चेंज करने का टाइम मिलेगा करेक्शन करने का टाइम मिलेगा और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बच्चों को 5 घंटे का टाइम जो है उन्हीं के अंदर अंदर आपको अपनी करेक्शन भी करनी है। हाउएवर वंस द आंसर शीट्स आर सबमिटेड एंड द स्टूडेंट्स लॉग्स आउट नो चेंज इन द अपलोडेड आंसर शीट्स विल बी पॉसिबल। तो अगर आप अपनी कह सकते हैं शीट्स को सबमिट करके अपने पोर्टल को लॉग आउट कर देते हो तब आपको सॉरी कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कहूंगा एक बार अपलोड करने से पहले फ्री में कहूंगा एक बार चेक कर लीजिए अपनी पूरी फाइल को अपने पूरे क्वेश्चंस को कि आपने सही सब कुछ कर दिया सब कुछ डिटेल्स एंटर कर दिया है तभी आप आगे बढ़ो अपलोड करने के लिए। स्टेप 5 आता है वो है लास्ट आपका है वो है आंसर शीट सबमिशन। Once the students upload all the scanned answer sheets against their respective questions, they should click the button for the UFM declaration and a confirmation for submission and log out from the portal. On successful submission of the answer sheet, the student will be notified via email or SMS. देखो जब आप particular अपने हर एक question की पीडीएफ फाइल को अपलोड कर दोगे उनके अपने अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली तब आपको एक यूएफएम डिक्लेरेशन दैट इज अनफेयर मींस की एक डिक्लेरेशन आपको फिल करनी पड़ेगी कि आपने कोई चीटिंग वीटिंग तो नहीं करी। तो प्रॉपर वो चीज करने के बाद आप जब सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट करके अपलोड करके सबमिट कर दोगे तब आप जब अपने लॉग आउट कर लोगे पोर्टल से तो सक्सेसफुल सबमिशन होने के बाद आपके पास एक ईमेल या फिर एसएमएस के थ्रू कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपने अपनी शीट अपलोड कर दी है, ठीक है ना। नोट में लिखा हुआ है यहाँ पे द मॉक टेस्ट
इज नॉट एग्जैक्टली एन ओबीई एग्जामिनेशन बट ओनली अ टाइप ऑफ टेस्ट टू असर्टेन क्लैरिफिकेशन टू द स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओबीई एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड रिमोटली। तो यार जो आपका मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन के बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा नहीं होगा, लेकिन हाँ एक ये है कि आपको प्रॉपर पूरी नॉलेज मिल जाएगी कैसे आपको अपना एग्जाम देना है, एंड एक आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि ताकि आपको फाइनल एग्जाम के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। This mock test is based on procedural steps related with OBE mode of examination as to be conducted remotely. The question papers given for mock test are only indicative and may not be taken a version based on real OBE examination. तो जो आपका मैंने बताया मॉक टेस्ट है खाली आपको समझाने के लिए है, कोई इसके क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम से कंडक्टेड के हिसाब से नहीं है। जो आपका एक खाली प्रोसेस आपको एक डमी के क्वेश्चंस देंगे वो डमी क्वेश्चंस होंगे जो आपको खाली समझाने के लिए होगा कि आपका प्रोसेस कैसे होगा। तो बिल्कुल भी उनके क्वेश्चंस को आप सीरियसली मत लेना कि वही आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। The facility of CSC that is Common Service Center is only meant for appearing examination as per date sheet notified by university. तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा खाली उसी दिन आपको अपने कॉमन सर्विस सेंटर में जाके वो एग्जाम के लिए आपको अपियर होना है। Mock test link shall be active on 4th July 2020 on the website of the university and will continue up to 8th July 2020. All students are advised to follow the procedure and visit the university website for any update related with the mock test. तो आपका 4 जुलाई को मॉक टेस्ट का लिंक आ जाएगा आपको और 8 जुलाई तक आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं कभी भी। तो उसमें आपको प्रॉपर प्रोसीजर आपको समझ में आ ही होगा कि कैसे आपको करना है और जो कुछ अपडेट आता है वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है वो है मॉक टेस्ट लिंक भी अवेलेबल ऑन सॉरी मॉक टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल वेबसाइट ऑन 2 जुलाई 2020। हाँ तो लिंक आपका मॉक टेस्ट का 2 जुलाई को भी आ जाएगा, पता नहीं ये चीज उन्होंने क्यों लिखी जब 4 जुलाई का लिख दिया। तो द शेड्यूल ऑफ द मॉक टेस्ट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट ड्यूरिंग एनी सेशन एज पर कन्वीनियंस टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ ओबीई मोड ऑफ एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड रिमोटली। तो मेन चीज यार इन्होंने सिंपली यही चीज बोली है कि वो रिकमेंड कर रहे हैं कि एक बार आप अपना मॉक टेस्ट करो ताकि उससे आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए ओपन बुक एग्जाम का, एंड सिंपली यार ये सारे स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं अपने एग्जाम देने के लिए। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपना ओपन बुक एग्जाम देना है। ये कंप्लीट एक स्टेप बाय स्टेप गाइड थी आपके ओपन बुक एग्जाम के लिए। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रहा है। देखो प्लीज शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ऑल्सो मेरे चैनल सक्सेस विद संस्कार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सको। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।